नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये 24 इंची का एलईडी है सैमसंग का। तो इसमें देखिए, ये रेड लाइट जल रहा है, देखिए तो रेड लाइट जल रहा है, लेकिन इसको ऑन करने से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें वोल्टेज पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद में इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका मेन आईसी तो पूरा ढका हुआ है, इसका रेगुलेटर जितना भी आईसी है वो सब देख लेंगे। देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा, रेड लाइट दिख रहा है एकदम अच्छे से। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है, रेड लाइट जला हुआ है खाली। तो चलिए एक बार वोल्टेज पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए मीटर इसका ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, पहले हमको वोल्टेज चाहिए इस जगह पे, देखिए 5 वोल्ट आना चाहिए, ये 5 वोल्ट आ रहा है इस आईसी पे। तो इस जगह पे देखिए 1.8 वोल्ट भी आ रहा है। अच्छा, दूसरे रेगुलेटर पे 3.3 आना चाहिए, ये भी देखिए आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें 1.2 वोल्टेज ज़रूरत होगा, कोर वोल्टेज जो होता है। तो देखिए इस जगह पे 1.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये जो आईसी है, आईसी से वोल्टेज निकल रहा है। तो इसके बाद में देखना है, ये जो आईसी है, इस आईसी में 5 वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए इस पिन पर भी 5 वोल्ट आ रहा है, बीच वाले में भी 5 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, ये साइड वाले में भी 5 वोल्ट ही आ रहा है। तो इस जगह पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, और इस जगह पे इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा है। जो लास्ट का पिन है इसमें 0.51 आ रहा है। तो ये जो रीसेट आईसी है, रीसेट आईसी के इस पिन पे 3.7 वोल्ट आ रहा है। रीसेट आईसी को पहले निकालेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, लोअर ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं हल्का कर, पूरा क्लीन से निकल गया है। ठीक है, थोड़ा मेन आईसी में हीट दे देंगे। अगर मेन आईसी हीट देने से ये ऑन हो जाता है तो इसका मेन आईसी ख़राब होगा, क्योंकि दो एक दिन चलेगा, उसके बाद में फिर दोबारा बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा कर ले। देखिए दोस्तों, इसमें पावर मैंने कनेक्शन काट दिया, तो ये खुद ही ऑन हो गया है। ठीक है, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो इसका पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर आया है नहीं आया। इसको पहले सॉकेट को लगा लेता हूँ और मीटर वीटर को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये सब एलईडी कुछ दिन बंद अगर रहता है तो इसको मैंने इसी को हीट देने से बहुत दिन भी चल जाता है, और नहीं तो दो पाँच दिन में फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको ऑन किए थे ना, ये देखिए पिक्चर आ गया पूरा एकदम। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और टाइम भी लगाना पड़ता है, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, और दिन में जैसे इससे भी अच्छा वीडियो मैं ला सकूं। मेरे चैनल पर करीबन 55-60 के आसपास वीडियो हो गया है, तो आप लोगों को अगर और भी वीडियो देखना है तो वहां से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों।